Many in the BJP questioned where Raghav Chadha was, and was he in talks with the BJP? Was he trying to evade the law? Did he fear he could be arrested next? All of those questions remain. Maybe he could come down to India and answer those himself. Preeti, just stay on with us. Let's listen into some political reactions that have been coming in, and we are of course standing by for Arvind Kejriwal to address the crowds. अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश आपने में आपने ऑर्डर पढ़ा है, ये जमानत नहीं है, टेम्पररी बेरे, एक तारीख को फिर से सरेंडर होना है। वो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ता नहीं तो वो कर ही सकते, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग प्रचार करें वो भी करें, और जब जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। चोर चोर मुसेरे भाई, सबने मिलकर गुहार लगाई, अंतरिम बेल मिली है, कंडीशनल बेल है, और कंडीशन नहीं मानेंगे तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत स्पष्ट है कि उनको आरोप मुक्त दोष मुक्त नहीं किया गया, उनको कुछ कंडीशंस के आधार पर बेल मिली है। जैसा मान लीजिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, चिदम्बरम जी, ये भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे हैं और बेल पर हैं। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, इस शराब घोटाले के विटनेस से नहीं मिलेंगे, सेक्रेटरिएट नहीं जाएंगे, और एक तारीख के बाद आप वापस अपने आप को सरेंडर करोगे। तो कंडीशंस के साथ बेल मिली है, उनको आरोप मुक्त नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है, और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है। उनको मुकदमा बना है, सुप्रीम कोर्ट ने लाइन दी है, आज तक सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट सबने माना कि ये मुकदमा सही है। ऐसे में अगर वो इसको उपलब्धि माने तो उनकी मर्जी, जनता तो सब जानती है कि उनकी किस ढंग की स्थिति बनी है। एक ईमानदार की छवि लेके सरकार बनाने वाले व्यक्ति शराब घोटाले में 100 करोड़ के उलझन में उलझा है, अब जनता माफ नहीं करेगी। केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है, जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन लोगों ने ली है, 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने, 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी,